नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश राममय है। चारों तरफ जय श्री राम की जयकारे सभी लगाए जा रहे हैं। एक तरफ अयोध्या आस्था का केंद्र है, वहीं पूरे देश भर में इस समय जय श्री राम के जयकारे और पूरा देश राम भक्ति में डूबा हुआ है। क्योंकि अयोध्या आस्था का केंद्र सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हुई है। वर्षों का इंतजार पूरा हुआ है, 500 सालों की तपस्या पूरी हुई है, 500 सालों का इंतजार पूरा हुआ है, 500 सालों की मन्नत पूरी हुई है और मंदिर से लेकर कोर्ट तक की जो लड़ाई लड़ी गई, आखिरकार वो सपना पूरा हो गया है, वो ख्वाहिश पूरी हो गई है। ये ख्वाहिश सिर्फ राम भक्तों की नहीं थी बल्कि पूरे देश की ख्वाहिश थी कि राम मंदिर बने, आखिरकार वो सपना पूरा हो गया है। लेकिन इस समय हमारे देश में बहुत सारे अनोखे राम भक्त ऐसे हैं जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं और उनके बारे में जानकर आप हैरान भी रह जाएंगे और आपको अचंबा होगा, आप दंग रह जाएंगे। कुछ कहानियां हम आपके सामने लेकर आए हैं और इनकी शुरुआत चलिए करते हैं, और शुरुआत करेंगे हम छत्तीसगढ़ से। दरअसल छत्तीसगढ़ में एक 85 साल की बुजुर्ग महिला है जो कि कचरा बीनने का काम करती है, कचरा बीनती है, रोजाना कचरा बेचती है और जो भी 40-50 रुपए की कमाई होती है उससे अपना वो गुजारा करती है, अपना जीवन गुजर बसर करती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 2021 में उस महिला ने एक दिन कचरा बीनते हुए जब कचरा बेचा तो एक दिन की जो कमाई थी वो 40 रुपए थी, 40 रुपए का कचरा बेचा, लेकिन उसी दिन उस महिला ने, बुजुर्ग महिला ने अपनी कमाई का आधा हिस्सा राम मंदिर के लिए दान कर दिया, यानी 20 रुपए दान किए। ये राम भक्ति है। उस महिला की जो ये कमाई थी, जो दान की राशि थी, वो तो बहुत छोटी थी, लेकिन आप आस्था का स्तर देखिए, आस्था का स्तर कितना बड़ा था। 20 रुपए राम मंदिर निर्माण के लिए दान किए गए थे और अब राम भक्ति देखिए, ये भी राम भक्ति है। उस महिला को जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो आमंत्रित किया गया है ताकि वो महिला वहां पर पहुंचे और राम मंदिर के लिए जो दान किया उस खुशी को वो महसूस कर सके कि मैंने राम मंदिर के लिए दान किया, आज मुझे यहां पर बुलाया गया। आपको ये भी बता दें, महिला का नाम विदुला बाई है जिसने 2021 में ये दान किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको एक भोपाल की कहानी बताते हैं। ये भी बहुत अनोखी कहानी है। दरअसल यहाँ पर रहने वाले एक बाबा है जो कि 21 साल की उम्र में 1992 में जब कार सेवक पहुंचे थे तो ये बाबा 21 साल की उम्र में कार सेवकों के साथ अयोध्या पहुंचे थे और अयोध्या पहुंचकर इन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक राम मंदिर नहीं बन जाता है तब तक ये अविवाहित रहेंगे। इन्होंने संकल्प लिया था ये शादी नहीं करेंगे और सालों साल बीत गए हैं, अब राम मंदिर बन गया है, अब जाकर इनका प्रण पूरा हुआ है, इनका संकल्प पूरा हो गया है। लेकिन ये अनोखी राम भक्ति है। आप देखिए कि राम मंदिर को लेकर इन्होंने प्रण लिया था कि वो शादी नहीं करेंगे, हालांकि जो उनके परिवार वाले थे उन्होंने इस चीज़ का विरोध भी किया, परिवार वालों के विरोध का सामना भी उनको करना पड़ा, परिवार में माता पिता भाई बहन सब लोग थे। लेकिन एक समय ऐसा आया था कि बाबा ने 21 साल की उम्र में ही परिवार के विरोध के चलते अपने परिवार को छोड़ दिया था, वो अकेले रहना उन्होंने शुरू कर दिया था 21 साल की उम्र से। अब तक वो अविवाहित हैं और अब जाकर उनका संकल्प पूरा हुआ है। तो ऐसी ऐसी राम भक्ति की कहानियां, अनोखी कहानियां भी हैं, हैरान करने वाली कहानियां भी हैं, कुछ और नहीं बल्कि राम भक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के गुना की, जहां पर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने राम मंदिर को लेकर, राम मंदिर निर्माण को लेकर ये प्रण लिया था कि जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता है वो निःशुल्क चाय वितरण करेंगे, यानी वो चाय बांटते रहेंगे। अब वो लगातार इस काम को कर रहे हैं। उनका प्रण आप देखिए, कई साल हो चुके हैं, तकरीबन 6-7 साल गुजर चुके हैं और वो लगातार चाय बांट रहे हैं फ्री में। उन्होंने अपने कार्ड बनवाए हुए हैं जहां पर भी जाते हैं, हालांकि पेशे से दिनेश जाटव उनका नाम है, पेशे से शिक्षक वो बताए जाते हैं, लेकिन जहां भी जाते हैं अपने कार्ड बांटते हैं और बोलते हैं अगर आपको निःशुल्क चाय पीनी है तो हमारे यहाँ पर आइए, आपको निःशुल्क चाय पिलाई जाएगी। यानी राम मंदिर के संकल्प को लेकर उन्होंने संकल्प लिया था जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा तब तक वो फ्री में चाय बांटते रहेंगे। अब तक 25,000 लोगों को वो फ्री में निशुल्क चाय का वितरण कर चुके हैं।
या अनोखी राम भक्ति है, और इसीलिए हम आपको बोल रहे कि ऐसी ऐसी हमारे देश में कहानियां हैं जो कि हैरान करने वाली है। और ये राम भक्ति है कोई छोड़ नहीं, इसमें महिलाएं भी शामिल हैं, पुरुष भी शामिल हैं जो कि अपनी राम भक्ति दिखा रहे हैं। यानी इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के अंदर राम भक्ति इतनी है कि वो कितनी चाहत थी उनके अंदर कि राम मंदिर बने। और यही वजह है कि उन्होंने कई सारे त्याग किए अपने जीवन के, उन त्याग को लेकर आज अब उनका सपना पूरा हो रहा है, सपना पूरा हो गया है, बल्कि राम मंदिर बन गया है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, और यही वजह है कि खुशी का माहौल देश भर में है। आगे बढ़ते हैं, बिहार चलेंगे। बिहार के किशनगंज की भी कहानी ऐसी है। यहाँ पर एक देवदास नाम का व्यक्ति है जो कि राम भक्त है, 23 सालों से नंगे पांव चल रहे हैं। अब नंगे पांव क्यों चल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने 23 साल पहले एक प्रण लिया था कि जब तक राम मंदिर नहीं बन जाता है तब तक वो नंगे पांव चलते रहेंगे, चाहे उनको कहीं भी जाना पड़े, अपने घर में है, घर से बाहर बाजार जाना पड़े, किसी रिश्तेदार के यहाँ पर जाना पड़े, या फिर कहीं नौकरी पर जाना पड़े, उनको कहीं भी जाना पड़े वो नंगे पांव जाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रण लिया था जब तक राम मंदिर नहीं बन जाता है वो ऐसे ही नंगे पांव चलते रहेंगे। उनका संकल्प पूरा हो गया है और खुशी का माहौल है इस समय। ये भी राम भक्ति है और अनोखी राम भक्ति है। आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ की एक और कहानी आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ में दरअसल एक तो वो महिला वाली कहानी हमने आपको बताई, और एक और कहानी है जहाँ पर रामनामी संप्रदाय के लोग हैं जिन्होंने राम भक्ति में अपने पूरे शरीर पर राम का नाम गुदवा लिया है, पूरे शरीर पर राम का नाम गुदवा लिया है। अब आप देखिए ये भक्ति का कौन सा स्तर है, कौन सा लेवल है ये भक्ति का। हालांकि उनको निमंत्रण नहीं भेजा गया है प्राण प्रतिष्ठा के लिए, तो वो थोड़ा नाराज भी है इसको लेकर, और उनका कहना है कि हम बहुत बड़े राम भक्त हैं, हमको निमंत्रण नहीं भेजा गया है, वो बात अलग है। लेकिन राम भक्ति का आप असर देख सकते हैं कि लोग टैटू बनवाते हैं, आजकल फैशन है टैटू बनवाने का, वो सिर्फ हाथ पर बनवा सकते हैं या फिर पैर पर बनवा सकते हैं, एक टैटू बनवा सकते हैं या फिर दो टैटू बनवा सकते हैं, लेकिन पूरे शरीर पर राम का नाम गुदवाया है, ये अनोखी राम भक्ति है और आपको सीख लेने की जरूरत है, जो कि प्रेरणा भी देती है। आगे बढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, देश भर की कहानियां हैं। शामली चलेंगे, यहाँ पर राम मंदिर निर्माण को लेकर एक अनोखा प्रण एक व्यक्ति ने लिया। दरअसल हुआ ये कि भक्त ने 1.25 करोड़ बार रामलेखन पुस्तिका का प्रण लिया था, लेकिन आस्था में डूबे राम भक्त ने अब तक 1.90 करोड़ बार राम लिख दिया है। ये अनोखी राम भक्ति है और वो लगातार इस काम को कर रहे हैं, जब तक उनका ये काम पूरा नहीं हो जाता वो इसको करते रहेंगे। तो ऐसी तमाम कहानियां हैं जो कि देश भर से सामने आ रही हैं। बहुत सारे ऐसे भिखारी हैं जिन्होंने भीख मांगकर पैसे इकट्ठे किए और उसमें से कुछ राशि राम मंदिर निर्माण के लिए दान की। उनके अलावा बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जिन्होंने अपनी कमाई में से कुछ राशि राम मंदिर निर्माण के लिए दान की। तो ये तमाम कहानियां हमने आपको राम मंदिर की भक्ति में डूबे, जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए जो भक्त हैं राम भक्ति में डूबे हुए, उनकी कहानियां बताई जो कि एकदम हैरान करने वाली भी हैं और अनोखी हैं। सबसे बड़ी बात, आप राम भक्ति का स्तर देख सकते हैं कितनी अनोखी कहानियां हमारे देश में हैं। तो इन कहानियों को लेकर आपका क्या कहना है आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।